माय विजन के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हिमांशु पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए आज हम बात करेंगे जो है यूपी टेट का जो प्राइमरी का एग्ज़ाम हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का। हमारे पास एक्चुअल में जो पेपर है वो है सेट बी का और आज हम जो सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर बाल विकास। चलिए देखिए यहाँ पे सारे केवल आंसर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है क्योंकि एक ही पेपर हमारे पास अवेलेबल था। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन और आंसर हम दोनों बोल देंगे, आप केवल अपने सेट में मिला लीजिएगा कि आपका कौन सा सही है और जहाँ पर स्टार बना हुआ है उसके आंसर असल में क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कौन सा होगा, ये अपवाद माना जा रहा है। इसके दो आंसर दिख रहे हैं और कहीं कहीं पर आंसर जो अप्रोप्रिएट होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, अब उसके बाद जो आंसर यहां पे प्रॉपर समझ में आ रहा है कि बच्चे को परामर्श देना चाहिए। जाहिर सी बात है कि यदि किसी भी प्रकार से क्लास में बच्चा कैसा हो समस्यात्मक हो तो जाहिर सी बात है शिक्षक उसे परामर्श देगा। अगला जो प्रश्न यहां पर दिया गया है वह प्रश्न है पाठ्य सामग्री क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं, तो आप विकल्प के अनुसार देखिए तो इसका आंसर है कि छात्रों के सार्वगीण विकास से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया। अब देखिए यहां पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें एक व्यक्ति है बी एस ब्लूम ने जो है अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है। ठीक है अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य क्या है। देखिए विकल्प के अनुसार इसका जो आंसर होना चाहिए वो ये है कि किसी बालक का एक वर्ष से अधिक एक ही कक्षा में रहना यह क्या होता है, यह जो है इसका आंसर हो सकता है जो शिक्षा में अवरोध का सबसे बड़ा कार्य करता है। ठीक है विकल्प के अनुसार। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षण आता है। अब ध्यान से देखिएगा प्रश्न है निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, तो इसमें है कि प्रस्तावना कौशल में जो है पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत जो है कहते हैं। विकल्प के अनुसार जो इसका आंसर है कि पुनर्बलन का सिद्धांत क्या है कि क्रिया प्रसूति अनुबंध जो है अनुबंधन सिद्धांत क्या कहलाता है, यह कहलाता है पुनर्बलन का सिद्धांत। अच्छा अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर सातवां जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संख्यात्मक ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है, तो इसमें से जो आंसर है वो है आंतप्रज्ञ अवस्था। आंतप्रज्ञ अवस्था क्या है, ये ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत नहीं है। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें सही क्रम ढूंढना था अरेंज करने के बाद, तो मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिपादन में 5 पदों का वर्णन किया, अब उनमें से कौन कौन सा है, तो आप देखेंगे कि यहां पर इसका जो आंसर है एक्चुअल में वो हमने डायरेक्ट यहां पे लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए खोज, खोज के बाद प्रस्तुतिकरण, फिर है संगठन व्यवस्था और उसके बाद आत्मीयकरण और वाचन और अभी व्यक्तिगत। ठीक है अगला जो प्रश्न देखिएगा वो लिखा है कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो विकल्प के अनुसार जो है वो ज्ञान क्या है, ज्ञान जो है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा अधिकम का वक्र नहीं है, अब अधिकम का वक्र क्या नहीं है, तो वह है लंबवत। यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं उसके अनुसार जो है लंबवत इसका आंसर होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा, प्रश्न क्या है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है यह किसने कहा, तो देखिए इसका आंसर क्या है अपवाद है। असल में एक्चुअल जो आंसर है वह रिवंसन। ठीक है लेकिन यहां पे जो विकल्प दिया गया है उसके अनुसार जो है आंसर बता पाना थोड़ा सा कठिनाई हो रही थी, इस वजह से इसको हमने क्या कर दिया जो है एस्टिक कर दिया है, आप इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 जो 12th नंबर है ये मैच वाला है। ठीक है तो हम इसके अनुसार बता दे रहे हैं, हम यहां पे बोल भी देंगे कौन कौन सा वर्ड है सुमेलित करने के लिए। जैसे सबसे पहला है ब्रूनर, अब ब्रूनर का जो संबंध है वो एक बार फिर से 12वां क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे सुमेलित करना था, जैसे ब्रूनर का है तो ब्रूनर का संपत्ति उपलब्धि शिक्षण प्रति जो है प्रतिमान है। दूसरा जो है वो आसुबेल का है, जो आसुबेल का सिद्धांत संबंधित है वो है
अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान से, और तीसरा यहाँ पे ग्लेजर है ग्लेजर का संबंध है बुनियादी शिक्षण जो है प्रतिमान से, और चौथा है गार्डन का जो संबंध है वो साइनोटिक शिक्षण प्रतिमान से है। ठीक है, अगला जो आपका 13वां प्रश्न है उसको देखिएगा। 13वां प्रश्न ये है कि समस्या समाधान का प्रथम चरण है। अब समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या हो सकता है? सबसे पहले हम समस्या को पहचाने, तो इसका आंसर क्या होगा? समस्या की पहचान ही क्या है, हमारा समस्या का पहला प्रथम चरण है, समस्या समाधान का पहला प्रथम चरण है। 14वां प्रश्न देखिएगा, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, तो विकल्प के अनुसार आंसर है बालकों का संज्ञानात्मक भावनात्मक तथा मनोचलन। ठीक है, इन तीनों का जो विकास होगा वही अधिगम को सबसे ज्यादा क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अगले देखिएगा, स्मृति स्तर पर एवं बोध स्तर के शिक्षक प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो यहां पर जो विकल्प दिया गया है 15वां का वो है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण ही क्या है, सही है, प्रस्तुतिकरण जो है वो शिक्षण प्रतिमान की संरचना में जो है सोपान का उभयनिष्ठ प्रतिपादक है। अगला देखिएगा, मानव विकास का प्रारंभ होता है, तो भैया मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, मानव के जन्म से पहले ही मानव का विकास प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो 13वां प्रश्न है इसका, ठीक है, सॉरी 17वां क्वेश्चन है उसको देखिएगा, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के राइटर कौन है? तो आप सामान्य सी बात है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको इसका आंसर बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि RM Gain, जो RM Gain है उन्होंने पुस्तक लिखी थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव हमला व विरोध की अवस्था है। भाई किशोरावस्था में जब बच्चा बढ़ने लगता है तो ये तमाम प्रकार की जो है दिक्कतें वो झेलता है और कहीं ना कहीं उसका मानसिक विकास और तेजी से होता है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था, ये कथन किसने दिया? तो स्टेनले हॉल ने जो है ये कॉन्सेप्ट दिया था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष हमला तथा संघर्ष का क्या होता है, एक तरीके से अवस्था होता है। अगला है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान के कुल कितना समय लगता है, मतलब सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो यहाँ पे जो कुल समय लगता है वो है 36 मिनट का, 36 मिनट लगता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, कि सीखने का पठार और सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यह कथन किसका है? हम एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं है। यह कॉन्सेप्ट दिया था किसने? देखिए ऑप्शन यहाँ पे जो ज़्यादातर बच्चों ने लगाया होगा, हमको जहाँ तक उम्मीद लग रही है वो है गेट्स और अन्य ने, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, अपवादजनक है, क्योंकि हमारे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को हमने स्टार कर दिया है। 21 क्वेश्चन देखिएगा, ये मिलान वाला प्रश्न है। ठीक है, स्तंभ एक से स्तंभ दो को मिलान करना है। देखिए एनिमल इंटेलिजेंस, अब एनिमल जो इंटेलिजेंस का संबंध है वो किससे है? थार्नडाइक से। नेक्स्ट है पुनर्बलन का अनुसूची, तो वो स्किनर से है। ठीक है, उसके बाद है सारगर्थिता का नियम, ये गेट टॉलर से है, और अनुकूलन का पियाजे से है। तो ये यहाँ पे जो मिलान किया गया है ये बिल्कुल जो है सही है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें लिखा है कि संविधान के किस संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो जिन लोगों ने संविधान पढ़ा होगा उसे पता है कि संविधान के 86वें संशोधन में जो है इसको मूल सिद्धांत बनाया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 22 शायद एक बार देख लीजिएगा, शायद जो है ये छूट गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन जो है किस सिद्धांत से संबंधित है? तो विकास जो है वो निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो यहां पर है उसको फिर से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 जो सेट बी का है, यहां पर लिखा हुआ क्वेश्चन है कि अभिप्रेरण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अभिप्रेरण के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकड्यूगल। मैकड्यूगल जो है वो अभिप्रेरण क्या है,
जो है मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा। तो विकास की कौन सी अवस्था है, तो वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को कोल तथा ब्रूस ने जो है इसे जो है संवेगात्मक विकास कहा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा कि किसने बहुविमानात्मक प्रज्ञा का प्रयत्न दिया। तो ये प्रत्यय दिया था किसके द्वारा, गार्डनर के द्वारा। गार्डनर ने कहा था कि बहुविमानात्मक प्रज्ञा का जो है प्रयत्न दिया था किसने, गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो क्या करने में, तो पढ़ने तथा वर्तनी में, मतलब बातचीत करने में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है। देखिए, निम्न में से कौन सा समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है कि शिक्षा को निःशुल्क बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ये समावेशी शिक्षा का जो है समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट है कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, तो प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि उनके जितने भी कन्फ्यूजन है वो क्लास में क्लियर कर लें। तो इसका आंसर होगा प्रेरित करना चाहिए। और अंतिम प्रश्न जो है वो है कि बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो भैया बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है उनके शारीरिक विकास से। शारीरिक विकास बढ़िया है तो जाहिर सी बात है कि बुद्धि भी अच्छी तरीके से काम करेगी। तो ये आपके सेट बी का पूरा एनालिसिस है। सारे सेट में लगभग यही सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसको एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके कितने सही हैं इसका आप हमको फीडबैक कमेंट में दीजिएगा, उसको हम लोग देखेंगे। यदि आपको लगता है किसी प्रश्न में आपके उत्तर आपके हिसाब से सही है, हमारे द्वारा बताया गया गलत है, तो उसको भी बताइएगा। उसमें जो भी कन्फ्यूजन होगा हम उसको पुनः जो है देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जितने बताए गए हैं वो लगभग जो है सारे प्रश्न यहाँ पे सही हैं। ओके, थैंक यू।